हाँ तो फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज की प्रभात खबर में जो है बी करेगा एक लाख अठहत्तर हज़ार लाख शिक्षकों को नियुक्ति तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कल मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि सभी जिलों से लगभग जो है रोस्टर क्लियरेंस होकर रोस्टर जो है शिक्षा विभाग के पास आ चुका है जिसमें छत्तीस जिलों का जो था रोस्टर क्लियरनेंस हो चुका था शेष जो जिले बचे थे उनका भी रोस्टर क्लियरेंस होकर जो है शिक्षा विभाग के पास कल शाम तक जो है आ गई है अब जो है अधियाचना जो है बी को भेजी जाएगी तो बी को कब अधना भेजी जाएगी और इसके अलावा परीक्षा पैटर्न यहाँ आप देख सकते हैं कि परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस बनाने की तैयारी जो है शुरू हो गई है तो किस प्रकार की सिलेबस आपके रहेंगे इस पर हालांकि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल कुमार ने ट्वीट भी किया था ट्वीट भी आप देखे ही होंगे यदि नहीं ट्वीट देखेंगे तो ट्वीट को देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए वहाँ पर जो है जितने भी बी से संबंधित जो भी जानकारी है बी से संबंधित क्यूज जो है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराए जाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब बी करेगा एक लाख अठहत्तर हज़ार लाख शिक्षकों की नियुक्ति तो बी को जो है अधिकार दे दिया गया है बी जो है फुल मोड में जो है आ गई है और बी जो है सभी तैयारियाँ जो है पूरी कर रही है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी जो है राज्य में जितने भी सरकारी ये स्कूल हैं उनकी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है एक कदम आगे बढ़ा दी है एक कदम जो है आगे बढ़ गई है सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेवारी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के आधिकारिक रूप से सौंप दी है अभी तक हालांकि चर्चाएं हो रही थी लेकिन आधिकारिक रूप से बीपीएससी को नहीं सौंपी गई थी लेकिन बीपीएससी को आधिकारिक रूप से सरकार जो है सौंप दी है समान प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग को एक शिक्षकों की नियुक्ति का आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है तो बीपीएससी को जो है ऑफिशियली लेटर जो है जारी कर दिया गया है आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी जो बी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने हमें जो है जिम्मेवारी दे दी है कि बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको शिक्षकों की भर्ती जो है बी को करनी है आयोग को शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी करने के लिए अधियाचना भी सौंप देगा जल्द ही आज या कल जो है आपका अधियाचना जो है बी को दे दिया जाएगा और जैसे ही अध्यायाचना बी के पास पहुँचेगा उसके बाद आयोग जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जारी कर देगा और रोस्टर क्लियरेंस पूरा कभी भी बी को भेजी जा सकती है अध्याचना आप यहाँ देख सकते हैं कि सूत्र के मुताबिक सरकारी जितने भी स्कूल हैं उसके लिए विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अध्यासना कभी भी बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा सकती है केवल कुछ औपचारिकताएँ बाकी रह गई है इधर विभाग ने प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जिलों से रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया करीब करीब पूरा कर ली है दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की तैयारी भी शुरू कर दी है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए नब्बे रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति होगी इसके अलावा यदि आप बी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और ये जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा है आपके पटना के सात सेंटर पर ही ली जाएगी सभी सेंटर जो है आपके राज्य के राजधानी में ही होंगे और उसमें जो है बारह मई से आपका बीपीएससी का मुख्य परीक्षा स्टार्ट होगा अड़सठवीं की और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और इसमें कुल परीक्षार्थी जो है आपके तीन हज़ार चार सौ चौवालीस परीक्षार्थी शामिल होंगे इस बार परीक्षा अब तक होने वाली बीपीएससी की जितने भी मुख्य परीक्षाएं हुई है उससे थोड़ा अलग है इसमें उत्तर पुस्तिका में ही आपके प्रश्न रहेंगे पहले जो प्रश्न थे आपके अलग दिए जाते थे लेकिन इस बार बी की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसमें उत्तर पत्रक में ही प्रश्नों को जो है दिया जाएगा और वहाँ निर्धारित आपको स्पेस दिया जाएगा उस निर्धारित स्पेस में ही आपको आंसर देना है और पटना के जैसे कि आप देख सकते हैं सात सेंटर पर परीक्षा ली जाएगी और सात सेंटर में आपके बांकीपुर गर्ल्स स्कूल हो गए कमला नेहरू विद्यालय गर्दनी बाग फिर पटना हाई स्कूल कमला नेहरू विद्यालय पटना कॉलेजिएट स्कूल और बी एन कॉलेजियट स्कूल शामिल है परीक्षा के अवसर पर आयोग कार्यालय का जो है ये आपका नियंत्रण कक्ष का नंबर भी दिया गया है यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो इस प्रकार से बी पी एस से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद